बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें तो उसका डिसएडवांटेजेस भी हैं और एडवांटेजेस भी। तो एडवांटेजेस में ये है कि पोटेंशियल बेनिफिट्स को एक्सप्लोर करना हो तो उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फ्रूट स्पीशीज भी आ जाती है, जिसमें एक आपके सामने है कीवी फ्रूट। कीवी फ्रूट जो चाइना में चाइनीज गूसबेरीज के नाम से मशहूर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट है। 1980s में ये पहले एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंट्रोड्यूस हुआ था बाहर से, और फिर यहाँ के बड़ों को क्रेडिट जाता है कि 2023 तक उन्होंने ये मेंटेन रखा। तो तकरीबन 10 साल तक इस पे डेटा लेते रहे। जब क्लाइमेट चेंज हो गई, मतलब यहाँ के स्नोफॉल वगैरह ख़त्म हो गई, तो यहाँ पे कीवी ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो इस पे तकरीबन 10 साल तक हमने डेटा हॉर्टिकल्चर सेक्शन में डेटा वगैरह कलेक्ट करके और पाकिस्तान की पहली कीवी फ्रूट वेराइटी FSCID के थ्रू रजिस्टर्ड हो गई। कीवी एक डायोशियस प्लांट है जिसमें नर और मादा पौधा अलग अलग होता है। तो तकरीबन 8 फीमेल पौधों के साथ एक मेल पौधा जो है वो लगाना ज़रूरी होता है ताकि सही पैदावार आ जाए। पहले इनकी पौधे जब पैदा करने हो, इनकी प्रोपगेशन करनी हो, तो पहले सीडलिंग इसकी फ्रूट में जो सीड्स होते हैं उसको उगाते हैं। जब वो उगते हैं तो फिर उस पर टंग ग्राफ्टिंग हम करते हैं, तो उससे 2 to 2 type प्लांट्स पैदा हो सकते हैं। जब हम यहाँ पे 2 to 2 type प्लांट्स इनसे पैदा करते हैं तो फिर वो अगले सीज़न डॉर्मेंट सीजन में सरकारी नफ पे ज़मींदारों को अवेलेबल होते हैं। हम अपने ज़मींदार भाई से दरख्वास्त करते हैं, अगर कीवी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो मेहरबानी करके आप एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर सेक्शन में तशरीफ़ लाए और इनके बारे में मालूमात हासिल करें। शुक्रिया।